जब वो चलता है तो लोग देखते हैं, लोग उसे बताते हैं दिल्ली का सिंघम। पेशे से हैं तिहाड़ के जेलर, इनकी आहट से थर थर कांपते हैं तिहाड़ के कैदी। इनका नाम है दीपक शर्मा और ये है तिहाड़ के सिंघम। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं छल को दिल्ली। आज ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी इनकी रील्स देखी होगी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर हम इनका परिचय दें तो ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। तिहाड़ जेल के जेलर हैं। ज्यादा बातचीत सर से कर लेते हैं। सर, शुरुआत यहाँ से कि कहाँ से शुरू होता है ये सफर? जी ब्रदर, जो मेरी फिटनेस जर्नी है वो सन 2014 से शुरू होती है, और जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, दिल्ली तिहाड़ जेल मैंने 2009 में ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप दिल्ली का है, यमुनानगर का मैं रहने वाला हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये जो जर्नी है ये जैसा मैंने बताया 2009 से स्टार्ट होती है और अभी तक ऑनगोइंग है। हम टाइम टू टाइम टारगेट्स हम सेट करते हैं, उनको अचीव करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बतौर जेलर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इतना प्यार आपको देते हैं, पर एक बात जो हर कोई आपको देखता है और हम भी आपको देख रहे हैं, तो आपकी फिटनेस देखने को मिल रही है और देखते ही एक खूबसूरती और एक स्मार्टनेस बनती है। सर, फिटनेस के पीछे क्या राज है? देखिए, ये जो फिटनेस है ये कहीं ना कहीं मैं रील लाइफ से इंस्पायर्ड हूँ। 2014-15 का जो दौर था जिसमें दबंग सिंघम जैसी मूवीज़ देखने को मिली, तो मुझे कहीं ना कहीं एक पुश मिला कि ये चीज़ें अगर मैं रिलेटेबल करता हूँ सोसाइटी के अंदर, रियल लाइफ को अगर मैं रियल लाइफ बनाकर लेकर आता हूँ तो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी भी रहेगा, मेरी पर्सनल ग्रूमिंग भी रहेगी, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट। कहीं ना कहीं दिल्ली के सिंघम आप हैं जी। हाँ, इस तरह के टाइटल्स मेरे को टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों के माध्यम से मेरे वर्क प्लेस पर देखने को मिलते हैं, दिल्ली का सिंघम या फौलादी जेलर, इस तरह के टाइटल्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। बहुत सारे टाइटल्स सर आपको मिले हैं। आज दिल्ली पुलिस में इतने सारे युवा आ रहे हैं, क्या जब आपसे वो लोग मिलते हैं जो न्यू ज्वाइन करते हैं दिल्ली पुलिस, तो क्या कुछ उनके सवाल होते हैं, क्या कुछ प्रेरणा आपसे लेते हैं, क्योंकि आप अब एक मॉडल बन चुके हैं। दिल्ली पुलिस को पहले देखा जाता था कि एक अंकल टाइप आते थे, और अब जब देखा जाता है तो एकदम स्मार्ट पुलिस वाले नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं मॉडल ही बदल दिया है क्या? जी हाँ, ये जो स्टीरियोटाइप था पुलिस वालों को लेकर कि एक मोटी तोंद वाले पेट वाले पुलिस वाले होंगे, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हाँ, जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे कोवर्कर्स हैं, वो सब इंस्पायर्ड होते हैं और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है सोसाइटी को भी एक पुलिस की एक अलग छवि दिखाना कि हाँ, इस तरह के फिट ऑफिसर्स भी दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, तो एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। और मुझे बड़ा एक सुकून होता है जब जो एक नया भर्ती होके आता है लड़का, जो कांस्टेबल्स आते हैं और वो आकर मेरे वर्क प्लेस पे या मेरे को लोकल प्रेमाइसिस में मिलते हैं, और जब वो कहते हैं कि हाँ सर, हम कहीं ना कहीं आपकी आपको सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग। सर देखिए, जब हम कल आपके लिए रिसर्च कर रहे थे, मैंने काफ़ी सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे, काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख के आपके पास आया, और वहाँ मैंने पाया आपने एक जो स्टोरी बताई हुई थी, उस स्टोरी को अगर मैं एक नाम दूँ, फर्श से अर्श तक की एक आपकी स्टोरी रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि गरीब फैमिली से शुरुआत होती है और आज इतने बड़े पद पर सर आप पहुँचे हैं। देखिए, संघर्ष है। जो मेरे फादर साहब हैं यूपी के रहने वाले थे, बागपत के, तो मैंने शुरू से उनकी लाइफ में संघर्ष देखा। वो बागपत से दिल्ली ट्रैवल करते थे, बाईसाइकिल वो आते थे कुछ सालों तक, जो अपनी वो स्टोरी हमें बताते थे, कुछ सालों तक उन्होंने रेगुलर डेली बेसिस पर अपना दिल्ली आना जाना किया। तो एक सर्विस क्लास फैमिली में बड़े लिमिटेड सोर्सेज थे, 5 भाई बहनों का हमारा परिवार था, तो हमारे फादर साहब हमें यहाँ लेकर आए, हमें यहाँ इस्टेब्लिश किया। तो उन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं शुरू से मन में था कि हाँ, हमारे फादर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हम चीज़ों को और आगे करेंगे, बेहतर करेंगे, और अब बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, जो मेरे फादर साहब हैं उनका नाम मैंने रोशन किया और चीज़ें आगे भी बढ़ा रहे हैं। जब आप पब्लिक में कभी निकलते होंगे, जनता के बीच में जाते होंगे, तो क्या पब्लिक आपको पहचानती है, और अगर पहचानती है तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है जब वो आपको देखती है? हाँ, मैं यूजुअली सिर्फ दिल्ली की बात, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जानते हैं, प्यार करते हैं,
मैं बाहर भी अगर मैं जाता हूँ, अपनी वेकेशंस पे जाता हूँ फैमिली के साथ या वैसे कहीं आना जाना होता है, तो काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जानते हैं। और फ़ोटोज़ लेने के लिए कुछ केसेस इवेंट्स में करता हूँ तो फ़ोटोज़ और ये आपका ऑटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने रियल में कुछ वेल्थ कमाई है। और इन चीज़ों से हमें सेल्फ मोटिवेशन मिलती है और हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने कहा आपने एक वेल्थ कमाई, तो ऐसे में एक सवाल ये है कि आखिर ज़िंदगी का वो कौन सा मोड़ था जब आपको ये प्रेरणा मिली कि आप सोशल मीडिया पर जाएं और लोगों तक अपने काम को पहुंचाएं? कौन सा वो केस था, कौन सा वो मुजरिम था जिसने आपको ज़िंदगी का एक सबक सिखाया कि आप आगे और अच्छा कर पाएँ और आज आप एक इतनी बड़ी ब्रांड बन गए? देखिए ये सब कुछ सरकमस्टांशियल रहा। ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2020 में जब निर्भया रेप केस के दोषियों को फांसी देनी थी, उस टाइम मैं नेशनल गेम्स में अपना गोल्ड मेडल लेकर हमारे डीजी श्री संदीप गोयल साहब को मैं मिठाई खिलाने गया, उनकी विशेज लेने गया, तो वो मेरी कद काठी को देख के बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक इस तरह से ये चीज़ें होनी है, ये एग्जीक्यूशन होना है, अगर हम आपको इसकी ज़िम्मेदारी दें तो आप कर पाएंगे। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि हाँ देश, वो एक ऐसा केस था जिससे पूरे देश के इमोशन जुड़े हुए थे, मेरे खुद के भी जुड़े हुए थे, तो मैंने इमिजिएटली यस किया। तो मेरे को स्पेशली मंडोली जेल से 3 दिन पहले तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र किया। हम इस एग्जीक्यूशन को एज पर रूल्स जो बेस्ट हम कर सकते थे वो हमने किया, सारे देश ने देखा, वो फांसी प्रक्रिया पूरी हुई। आप वहाँ मौजूद थे उस वक्त, पूरे केस को आप देख रहे हो। उसके बाद लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती रही, बॉलीवुड ने मुझे अप्रोच किया, कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ गाने किए, रियलिटी शो किए और अब इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे क्या करना चाहते हैं, अगला क्या लक्ष्य है? अभी फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो जो ये एक मेरा लाइफ स्टाइल है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको और आगे अच्छा करने की। बॉलीवुड की मैं बात करूं तो अभी डिस्कवरी चैनल का रियलिटी शो करने के बाद अभी 2 शो मेरे लाइनअप हैं, प्रिंस नरूला के साथ, राहुल देव जी के साथ, और कुछ बॉलीवुड के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मूवीज़ हैं, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, अगर वो अच्छे लगते हैं तो हम उनको भी ज़रूर करेंगे। जो पब्लिक इस वक्त सर हमें देख रही है, अगर कोई दिल्ली पुलिस में आना चाहता है तो सबसे पहले वो कौन सी चीज़ हो, कौन सा वो प्रण हो जो युवाओं को लेना चाहिए? देखिए आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, आप अपने करियर की तरफ उतना आप फोकस कर पाएंगे, अटेंटिव रहकर आप आगे बढ़ें। दिल्ली पुलिस एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, आप इसमें एक सिपाही से लेकर एक DCP लेवल तक विभिन्न जो प्रक्रिया हैं उनमें चयनित होकर आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने कैलिबर को पहचानें, अपनी क्षमता को पहचानें और दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करें। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जो पब्लिक, आपके व्यूअर्स, आपके फॉलोवर्स हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी फॉलोवर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये आपका जो जीवन है ये बहुत खूबसूरत है, अपने जीवन से प्यार करें, अपने शरीर से प्यार करें, बहुत छोटी सी लाइफ है, अपने गोल्स आप सेट करें, उन गोल्स को पूरा करें। सोसाइटी में अपने आसपास अगर आप कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, प्रगति करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। तो आपने सुना दीपक शर्मा जी की जो पूरी स्टोरी हमने आपको सुनवाई है, इससे कहीं ना कहीं युवाओं को ये प्रण लेना चाहिए कि वो दिल्ली पुलिस में बढ़कर आ गया है। अलग अलग केसेस पर सर ने बताया कि निर्भया केस से एक अलग प्रेरणा इनको मिली। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर उस युवा तक ये वीडियो जाए जो दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, क्योंकि वो पंक्ति आपने सुनी होगी, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। इसी के साथ मैं हिमांशु मुद्गल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। इस वीडियो पर अपनी राय नीचे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।